हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टॉकेटिव फूडी हीना। आज हम बनाने जा रहे हैं ढोकला। ढोकला बनाने के लिए हमें चाहिए एक कटोरी बेसन, एक चम्मच चीनी, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, आधा नींबू और आधा चम्मच नमक। एक सैशे मैंने इनो का लिया है, ये भी हम लोग आधा डालेंगे। लेमन फ्लेवर लिया है और पानी। ये मैंने गर्म ऑयल लिया है 2 चम्मच। बाउल में सबसे पहले हम लोग बेसन डालेंगे और साथ ही हम लोग इसमें डालेंगे नमक, चीनी और हल्दी, नींबू का रस, और इसको पहले हम अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। फ्रेंड्स, पानी आप एकदम से ज़्यादा मत डालिएगा, अदरवाइज़ लम्स हो जाएंगे और बैटर हमारा पतला भी हो जाएगा। यहाँ पे हमको थोड़ा थिक बैटर बनाना है। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो बेल आइकन होता है उसको भी ऑन करके रखिएगा ताकि मैं आगे कोई भी न्यू वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप मेरी वीडियो उसी टाइम पे चेक कर सकें। फ्रेंड्स, आप लोगों को तो पता ही है कि लॉकडाउन चल रहा है, तो इसीलिए मैं कम से कम इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके घर पे ही कुकिंग कर रही हूँ। जो भी मेरे पास सामान अवेलेबल है उसमें ही सारी चीज़ें बना रही हूँ। और अगर आप कोई डिश बनाना चाहते हैं कम से कम इंग्रेडिएंट्स में तो मुझको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी। ये हमारा बैटर तैयार है। अब मैं इसके अंदर हमारा गरम ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल डालने से हमारा जो बैटर है वो बहुत अच्छे से स्मूथ हो जाता है और बिल्कुल लम्स फ्री। आप देख सकते हैं कि ये बैटर मैंने घोला है और इसको हम एक ही राउंड में, एक ही सर्कल में व्हिप्ड करेंगे। फ्रेंड्स, अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ हमारा बेकिंग पाउडर और साथ ही इनो। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर है तो ज़रूर डालिएगा क्योंकि उससे अच्छा हमारा जो ढोकला है वो अच्छे से फूलता है। और मैंने इनो डाल करके इसको मैं एक ही राउंड में व्हिप्ड करूँगी और आप देख सकते हैं कि हमारा जो बेसन है वो अच्छे से फ्लफ़ी हो गया है और अच्छे से स्मूथ बैटर बना है। जितना फ्लफ़ी और जितना स्मूथ बैटर आपका बनता है ढोकला उतना ही फूलेगा। ये मैंने कंटेनर लिया है जिसको मैंने ऑयल से कोटिंग कर ली है। अब इस बैटर को इसके अंदर डाल के मैं कुक करूँगी और आप कोई भी कंटेनर, किसी भी शेप का कंटेनर ले सकते हैं जो भी अवेलेबल हो आपके पास। मेरे पास इस तरह का एक टिफ़िन अवेलेबल था तो मैंने वही लिया है और ये बैटर इसके अंदर डालूँगी। और फ्रेंड्स, हमको जो कुकिंग टाइम होता है इसका ऑल इन ऑल स्टार्टिंग टू एंड मैक्सिमम 15 मिनट्स ही लगते हैं खाली। और आप इसको मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में या इवनिंग स्नैक्स में बना सकते हैं, खा सकते हैं। और इसको अच्छे से टैप करके मैं स्मूथ कर लूँगी और अब मैं इसको कुक करूँगी। ये मैंने एक पतीले में पानी गर्म कर लिया है। इसके ऊपर मैं एक हमारा बर्तन रखूँगी जाली वाला और उसके अंदर मैंने हमारा जो बैटर है वो रख दिया है ताकि अच्छे से जो स्टीम है वो हमारे बैटर के ऊपर लग सके। अब मैं इसके ऊपर एक प्लेट से कवर कर दूँगी ताकि हमारा जो ढोकला है उस पर पूरी स्टीम लगे और वो अच्छे से फूल जाए। चलिए, इतने हम तड़का तैयार कर लेते हैं ढोकले के ऊपर का। उसके लिए मुझे चाहिए हरी मिर्च। ये हरी मिर्च मैंने अच्छे से कट कर ली है और इसके जो बीज हैं वो निकाल दिए हैं। 1 चम्मच राई, आधा चम्मच नमक, 2 चम्मच ऑयल और 1 चम्मच चीनी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने पैन रख लिया है हाई फ्लेम पे। मैं इसके अंदर ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल को अच्छे से गर्म होने दूँगी और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी राई। जैसे ही राई हमारी चटकने लगेगी तब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हरी मिर्च, साथ ही नमक, चीनी और यहाँ पे मैं आधा ग्लास पानी ले रही हूँ। अब पानी बॉईल होने तक मैं इसको हाई फ्लेम पे पकाऊँगी ताकि हमारी जो चीनी है वो भी अच्छे से मेल्ट हो जाए। बॉईल इसमें अच्छे से आ चुका है। अब मैं फ्लेम को बंद कर दूँगी और हम फटाफट हमारा ढोकला भी चेक कर लेते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं। ढोकला चेक करने के लिए आप कोई भी टूथपिक ले लीजिए। मैं यहाँ पे नाइफ ले रही हूँ, आप नाइफ भी ले सकते हैं और इसको इस तरह से चेक करेंगे। अगर आपका बैटर इस पे लगा हुआ नहीं आता है, इट मीन्स
ये कुक हो चुका है, अगर बैटर लगा आता है तो कुक नहीं हुआ है। और अब मैं इसको प्लेट में निकाल रही हूँ। और अगर इस रेसिपी से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी। और फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल नहीं है उसको स्किप करके ये रेसिपी बनाई जा सकती है या नहीं, ये भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं डेफ़िनेटली आपको बताऊँगी। जैसा कि मैं आपको बताना भूल गई हूँ कि कड़ी पत्ता भी डलता है तड़के में, क्योंकि मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने कड़ी पत्ता अवॉइड कर दिया है, लेकिन अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप तड़के में कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर हमारा जो तड़का है वो डालूँगी। और फ्रेंड्स, आप ये स्नैक्स इवनिंग में या मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, आप ये इन्जॉय कीजिए ढोकला। मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट रेसिपी के साथ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।